दत्ता भाव, आज हम सब लोग यहाँ जो मीटिंग के लिए आए, जो आदमी से मैं मिलाने को आया, वो ये मेरा दोस्त डेविड सेलगाडो गोवा से आया है। ये बोला इसके पास हम सभी के लिए एक प्रॉफिट का धंधा है। हाँ भाव, मेरा रशिया में एक कांटेक्ट है, हथियार का फैक्ट्री है उसका। वो मेरे को रशिया का लेटेस्ट बंदूक के कंसाइनमेंट मुंबई भेजना चाहता है। बहुत फायदा है उसमें, कम से कम 60% का। कच्चा माइला 60%? आओ, इतना रोकड़ा तो आपुन के किसी भी धंधे में नहीं है। अपनी तो हाँ है बाप, क्या बोलता है ना? सुरेश शिर्के, हम लोग सब यहां पर तुम्हारी हाँ के लिए नहीं आए हैं। हम लोग यहां दत्ता भाऊ के हाँ के लिए आए हैं। पूरा अंडरवर्ल्ड जानता है इस शहर में दत्ता भाऊ की मर्जी के बगैर कुछ नहीं हो सकता। एकदम राइट बोला पाशा भाई। दत्ता भाऊ तो गरीब लोगों के लिए गॉड है, गॉड। और हम साला लोग शैतान, रावण। मेरे को तो ये डील करने का। हे मकरंद, तुम क्यों चुपचाप बैठा है, कुछ बोलता नहीं? मैं क्या बोलूं? आपकी क्या राय है दत्ता भाऊ? राजन और सिलगाड़ो को आप इस शहर में विदेशी हथियार लाने की इजाजत देंगे? नहीं, हरगिज नहीं। क्योंकि जिस धंधे में तुम लोग सिर्फ मुनाफे की सोच रहे हो, उसमें मैं सिर्फ नुकसान देख रहा हूं। और ये नुकसान उस मुनाफे से कहीं ज्यादा है। अरे, जिस शहर ने हम सबको आबाद किया है, उस शहर को बर्बाद करना चाहते हो तुम लोग? और ये इसका रूसी साथी निकोलाई, जो सिर्फ हथियार ही नहीं आरडीएक्स भी बनाता है, और इस सेलगाडो का मेन प्लान यही है। देखो दत्ता भाई, माल तो माल है और प्रॉफिट प्रॉफिट। मैं तो बोलता हूं, अगर देख गए हो तुम राजन, शर्म आनी चाहिए इस जैसे इंसान से मुझको मिलाने से पहले। हम सब लोग आपस में लड़े कटे मरे, लेकिन हमारे धंधे से आम आदमी पर असर नहीं आना चाहिए। और ये जुर्म मैं तुम लोगों को हरगिज नहीं करने दूंगा। ये काम तो होके रहेगा दत्ता भाऊ, आपके रहते हुए या आपके... ए गोवा छाप, तेरे को मालूम है किससे बात कर रहा है? साला इधर ही ठोक देगा तेरे को। ये मेरे चूड़िया पहन के ले बैठा इधर, अपनी औकात में गपचू बैठ। साला तू मेरे को मेरी औकात बता रहा है? ए किच्चा तेरी तो। दत्ता भाऊ,
दत्ता बाबू गोली गोली दत्ता बाबू को गोली मारा कौन गोली मारा दत्ता बाबू को तूने मारी ए क्या बात कर रहा पासा चिलगाड़ो तूने तो अभी उनको धमकाया था तूने गोली मारी होगी नहीं 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 तो पेट में गोली लगी तो नीचे से आई होगी ना अजय नाना नीचे से गोली आ रहेगा टेबल ले उठा उठा, उठा, उठा। तूने गोली चलाई नहीं मैंने नहीं मारा तो ये गन कैसी ये गन मेरा नहीं है ये मकरंद तुम मारा ये पिस्तौल मेरा नहीं है मैंने नहीं मारा भाव को ये तेरी तेरा ही गन है अन्ना यही भाव को टपकाया है मैंने नहीं मारा तू कैमरा कैमरा तू ये सब टेप कर रहा था तुम रिकॉर्ड किए ये तुम्हारा साला कौन है तू बोल महीनों की ताक के बाद तू हमारे हत्या चढ़ी गया सिलगाड़ो और ये सब तेरे साथ बोनस मुंबई शहर के छठे हुए क्रिमिनल्स मैं कोई क्रिमिनल नहीं हूं मैं तो एक क्राइम रिपोर्टर हूं मकरन जा जो यहां पर इन सबका पर्दाफाश करने के लिए आया था मारा इन्हें इस असीन के साहब ने नहीं साहब मैंने नहीं मारा है मैंने नहीं मारा है किसी को साहब भाव दत्ता सामंत की मौत ने पूरे शहर में खलबली मचा दी है हजारों की तादाद में उनके समर्थक और चाहने वाले सड़कों पर तोड़फोड़ कर रहे हैं पूरे शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया है लोगों के लिए दत्ता भाऊ किसी मसीहे से कम नहीं थे और अब अन्य समाचार मकरंद से मैं हमेशा यही कहती थी कि ये स्टिंग ऑपरेशंस तुम्हें एक दिन बहुत बड़ी मुसीबत में डाल देंगे लेकिन उसे तो उसे करप्शन और क्राइम को जड़ से मिटाने का भूत सवार था तो कितने समय से वो इस गैंग में काम कर रहे थे अंडरकवर 6 महीनों से वो तो राजन के धंधे का पर्दाफाश करना चाहते थे दत्ता भाऊ को मारकर और शहर से दुश्मनी लेकर उन्हें क्या मिलने वाला था क्यों मारेंगे वो दत्ता भाऊ को सर वो तो एक रिपोर्टर है कोई क्रिमिनल नहीं खूनी नहीं सर एडी खून मकरन नहीं किया जब मैं यहां पहुंचा तो इस वेयर हाउस में ना तो कुछ छिपा हिटमैन था और ना ही कोई दूसरा आदमी गोली टेबल के नीचे से चली है दत्ता भाऊ के ठीक सामने से टेबल के नीचे तुम्हें क्या मिला केडी
ये गन जो मर्डर वेपन है, और इसके अलावा ये सब कचरा, ये लोहे का रोड, ये रस्सी, बोतल, कंगी, अखबार। तो इस कचरे पर किसी के उंगलियों के निशान वगैरह कुछ? इस गन पर मकड़ झा की उंगलियों के निशान जरूर है केड़ी। क्या है केड़ी? वुड पॉलिश स्मेल, यही स्मेल मुझे वहां उस टेबल से भी आ रही है। रस्सी, बाकी सामान का जांचना बाकी है। फॉरेंसिक से पहले तुम इसे नहीं छू सकते। ओके। आज का ये मुकदमा क्राइम की दुनिया के नामचीन मुजरिमों को लेकर है, इसलिए अदालत ने फैसला लिया है कि ऐसी नाजुक स्थिति में आवाम को इस हियरिंग से दूर रखा जाएगा। ये एक स्पेशल क्लोज डोर हियरिंग जहां सिर्फ मुजरिम और कानून के पहरेदार मौजूद रहेंगे। Let the proceedings. Your Honor, गोवा पुलिस के इंस्पेक्टर कामत और मैं पिछले कई महीनों से हथियारों के सौदागर डेविड सिलगाड़ो को ढूंढ रहे थे, और उस दिन फहीम पाशा के वेयर हाउस में हम उसी को पकड़ने गए थे, लेकिन लग देखिए ये बाकी भी हमें वहीं मिल गए। और वहां हमें मिली दत्ता भाऊ की लाश, उनके पेट में गोली का जख्म था। इंस्पेक्टर दवे, उस वेयर हाउस में और कौन था? कोई छुपा हुआ शूटर, कोई हिटमैन? जी नहीं, सिर्फ दो बॉडीगार्ड्स, हाथ में गन लिए दत्ता बाबू के पीछे काफी दूर खड़े थे, और ये चार गैंगस्टर टेबल पे थे मकरण के साथ। इसके अलावा वहां कोई नहीं था। तो जाहिर है कि खून उन दो बॉडीगार्ड्स ने नहीं किया होगा, और कत्ल का हथियार ये गाने इंस्पेक्टर दवे? जी, ये मकरन के पैरों के पास उस टेबल के नीचे, और इस पर मकरन की उंगलियों के निशान भी हैं। तो आपके मुताबिक इंस्पेक्टर दवे, मकरन ने टेबल के नीचे से अपने ठीक सामने बैठे हुए दत्ता भाव पर गोली चलाई, राइट? योर ऑनर, एक कमरे में मकरन झा, क्राइम रिपोर्टर जिसने आज तक एक ट्रैफिक सिग्नल तक नहीं तोड़ा, उसी कमरे में चार मशहूर डॉन जिनके खिलाफ कत्ल के अनगिनत केस चल रहे हैं। यह सोचना भी बेवकूफी होगी कि यह कत्ल मकरन झा ने किया है। केटी, मकरन ने भले ही आज तक एक भी ट्रैफिक सिग्नल न तोड़ा हो, लेकिन कई लोगों की हड्डियां जरूर तोड़ी है। किराना, सायन पुलिस स्टेशन में मकरन पर एक केस दर्ज, ये रहा उसका सबूत, जहां उस पर अटेम्प्ट टू मर्डर का इल्जाम लगाया गया है। ये काम मुझे करने पड़े थे जब मैं राजन अन्ना के गैंग में अंडरकवर था। वरना उन्हें मुझ पर शक हो जाता। शक तो अब हो रहा है तुम पर मकरंद, कि सीधे अटेम्प्ट टू मर्डर से तुम मर्डर पे आ गए हो। और इस बात का सबूत हमें देंगे फॉरेंसिक्स के डॉक्टर, डॉक्टर रस्तोगी। योर ऑनर, दत्ता भाव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहती है एकदम ट्रेजेक्टरी शॉट है, गोली उनके ठीक सामने से चलाई गई है, उनके सामने वाली कुर्सी से जहां पर मिस्टर मकरन जा बैठे थे। डॉक्टर रस्तोगी, क्या यह मुमकिन नहीं कि गोली इन चारों में से किसी एक ने टेबल के नीचे अपने हाथ का एंगल बदलकर चलाई हो, ताकि एंगल से लगे कि गोली मकरन ने चलाई? जी हाँ, हो सकता है। ऐसा नहीं हो सकता डॉक्टर रस्तोगी, क्योंकि इस गन पर सिर्फ मकरन झा की उंगलियों के निशाने के थी। अगर इन चारों में से कोई होता ना, तो उसकी उंगलियों के निशान भी इस पर जरूर होते, जो नहीं है। ओके, डॉक्टर रस्तोगी, क्या यह मुमकिन है कि वो गन किसी रिमोट कंट्रोल डिवाइस से चलाई गई हो? नहीं केडी, इस गन में कोई अटैचमेंट या सेंसर नहीं है, ये तो एक सिंपल सी गन है। और ये एक सिंपल सा खून है योर ऑनर। योर ऑनर, मकरन झा की दत्ता भाव से कोई ज्यादा दुश्मनी नहीं थी। दत्ता भाव को मारकर इन्हें क्या हासिल होगा? There is no motive for murder. मिस्टर पाठक, शायद आप नहीं जानते कि मकरन के पिता कौन थे। भ्रष्ट नेता प्रवीण झा। तो
जिनकी मौत आज से 9 साल पहले दत्ता भाव के गैंग ने ही की थी। तो मकरंद, पिता की मौत का बदला अंडर कवर होकर अच्छी तरह पूरा किया तुमने। ब्रिलियंट जी, ये सच है कि मेरे पिता की हत्या दत्ता भाव के गैंग ने ही की थी, लेकिन उनके भ्रष्टाचारी होने की वजह से मैं उनसे सारे रिश्ते नाते तोड़ चुका था। मैं उनकी मौत का बदला क्यों लूंगा? मैंने किसी को नहीं मारा, किसी को नहीं। तुम्हारे कहने और करने में बहुत फर्क है मकरंद। लेट मी रिमाइंड यू कि उस पूरे मीटिंग में तुम बहुत घबराए हुए और ये बात इन सारे कैदियों के बयान में मेंशन। योर ऑनर, सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगी उस वेयर हाउस के मालिक फहीम पाशा को। जी मैडम, हमारी पूरी मीटिंग में मकरंद चुप चुप सा था, घबराया हुआ और सहमा सा। अगर मुझे जरा भी अंदाजा होता कि ये आदमी कौन है और इसका इरादा क्या है तो मैं उसकी जान ले लेता। मिस्टर पाशा, अपने आप में रहिए, आप अदालत में खड़े। गुस्सा की हुजूर, गुस्सा की। मैं अपने जज्बातों पर काबू नहीं कर पाया, पर दत्ता भाऊ मेरे लिए देवता समान थे, मेरे बड़े भाई जैसे। एक ऐसा सोशल वर्कर जिसे सारा समाज पूछता था, और इस इंसान ने, मिस्टर फहीम पाशा, उस दिन जहां ये मीटिंग हुई थी वो वेयर हाउस आपका है जहां आप रस्सियां बनाते हैं, पाशा रोब्स, राइट? जी हाँ। क्या ये भी सही है कि मीटिंग शुरू होने से पहले आपके ही आदमियों ने सबकी तलाशी ली थी ताकि कोई हथियार लेकर अंदर ना जा सके? जी हाँ। जब तलाशी ली गई थी तो मकरंद के पास वो गन कैसे आई? ऐसा भी हो सकता है मिस्टर पाशा कि आपने पहले से वो गन अपने वेयर हाउस के टेबल के नीचे छुपाई हो और मौका देखकर दत्ता भाऊ पर गोली चलाया हो। नामुमकिन है केदी। क्यों नामुमकिन है? फहीम पाशा दत्ता भाऊ के बिल्कुल करीब लेफ्ट साइड पर बैठे हुए थे और वहां से गोली चलाने का एंगल नहीं बनता, और उसका प्रूफ है ये फुटेज जो मकरंद के खुफिया कैमरे ने रिकॉर्ड किया है। प्रोसिक्यूटर साहिबा, जब कत्ल का इरादा हो तो इंसान मौका ढूंढ ही लेता है। मिस्टर पाशा, दत्ता भाव की मौत के बाद पुलिस ने उनकी गाड़ी की तलाशी ली और गाड़ी के नीचे से ये रिमोट कंट्रोल बम मिला, और मुझे पूरा यकीन है कि ये बम आप ही ने अपने देवता समान भाई की गाड़ी के नीचे लगवाया था। क्या क्या बकवास है ये? क्या सबूत है आपके पास वो बम मैंने लगवाया? सबूत है इस बम से जुड़ी हुई ये रस्सी जो आपके वेयरहाउस में बनी है, इस बम पर आपके बॉडीगार्ड गज्जू की उंगलियों के निशान, और गज्जू ने पुलिस के सामने ये कबूल भी किया है कि आपके कहने पर ही उसने ये बम गाड़ी के नीचे लगवाई थी। जी हाँ, मैं दत्ता भाऊ को मारना चाहता था। क्योंकि उनके जाने के बाद उनकी गद्दी मैं ही संभालता। लेकिन इस इंसान ने मुझे बचा लिया एक गुनाह करने से, दत्ता भाऊ को मेरे पहले मारकर। शुक्रिया मेरे दोस्त, तुम्हारा एहसान मैं नहीं भूलूंगा। देखिए, मैं एक बिजनेसमैन है, हथियार का धंधा करता है, आज तक लाइफ टाइम में कभी हथियार यूज नहीं किया, और ये मर्डर मैंने किया ही नहीं। क्या आप मानते हैं मिस्टर सिलगाड़ो कि दत्ता भाव की मौत से सबसे ज्यादा फायदा आप ही को था, क्योंकि आप ही वो आर्म्स डील लेकर उनके पास गए थे? बॉस, अपुन तुमको एक बात बोलेगा, जिस वक्त ये गोली चली थी ना, उस टाइम मेरे दोनों हाथ उस सिरके के खंधे पे था। He is absolutely right, Your Honor. Please जरा ये footage देखिए। इसीलिए ऑनर डेविड सिलगाड़ो का गोली चलाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मैडम सही बोलता है, गोली इसने चलाई थी क्योंकि पाशा शेख के वेयरहाउस में आते टाइम इसने अपनी शर्ट में गन छुपाते हुए मैंने देखा था। झूठ बोल रहे हैं ये, मेरे पास कोई गन थी नहीं। और अगर थी भी तो
आपने दूसरों को इस बारे में क्यों नहीं बताया? मेरे को लगा इसका और राजन अन्ना का कोई प्लान होगा दत्ता भाऊ को टपकाने का। इन दोनों का लफड़े में मेरा फायदा होने वाला था और वही छुआ, लेकिन पुलिस बीच में आकर पूरा गेम बिगाड़ दिया। योर ऑनर, मेरे अगले विटनेस मिस्टर शिर्के। नमस्कार करला माय बाप, कैसा है साहब? पिछला टाइम से कुछ वेट कम किए लाए, मॉर्निंग वॉक सॉक चल रहा लगता है बाप। मिस्टर शिर्के, कत्ल के वक्त आप वहाँ क्या कर रहे थे? मैं जी आप? मैं उस लुक के सिलगाड़ो को उसका औकात बता रहा था। और इस फुटेज के अनुसार आपके भी हाथ उनके गिरेबान पर थे। और नहीं तो क्या, कॉलर सिर्फ क्या वही पकड़ सकता है मेरा? ए साला, मिल तू सेल में मेरे को, कॉलर के साथ तेरा गर्दन भी उखाड़ दूंगा। मिस्टर शिर्के, प्लीज बिहेव योरसेल्फ। सॉरी माय बाप, क्या करूं, जंगली हूं ना, गुस्सा साला हमेशा इधर रहता है। और उसी गुस्से में आकर आपने दत्ता भाऊ की जान ले ली, क्योंकि दत्ता भाऊ ने आपके ड्रग्स का धंधा बंद करवा दिया था, राइट? हाँ, पन भाव ने तो पासा और राजन अन्ना के भी धंधे को बंद करा दिया था, उनसे पूछो ना आप। ये दत्ता बाबू के बंगले के बाहर सिक्योरिटी कैमरा से ली गई कुछ तस्वीरें हैं। इसमें ये आदमी 6 दिन तक लगातार नजर आ रहा है। ये आप ही की गैंग का आदमी है ना, शूटर बाबर? दिखता तो वही है, गया होगा भाऊ के पास में फरियाद लेके। भाऊ दयावान था ना साहब, अच्छा बुरा सबका सुनता था। हाँ, लेकिन बाबर दत्ता भाऊ के साथ बहुत बुरा करने वाला था। कल रात को पुलिस ने बाबर को गिरफ्तार कर लिया और बाबर ने पुलिस को बताया कि वो आपके कहने पर दत्ता भाऊ की जान लेने वाला था। क्या ये सही है या नहीं? क्या फर्क पड़ता है साहब, मारने का इरादा करना एक बात और मारना दूसरी बात। अरे मारा तो इस मकरंद ने है, मानना पड़ेगा इसको। जो काम अखा अंडरवर्ल्ड का भाई लोग मिलके नहीं कर सका, वो काम ये रिपोर्टर ने कर दिया। बचा लो इसको केडी, जेल से छुटूंगा तो अपनी गैंग में रख लूंगा। किराना, मिस्टर शिर्के और डेविड सिलगाड़ो के हाथ एक दूसरे के गिरेबान पर थे और फहीम पाशा दत्ता भाव की बिल्कुल लेफ्ट साइड पर बैठे हुए थे, इसीलिए इन तीनों का गोली चलाना इम्पॉसिबल है। लेकिन राजन अन्ना का गोली चलाना बिल्कुल मुमकिन है योर ऑनर। इस फुटेज में साफ जाहिर है कि जिस समय गोली चली राजन अन्ना टेबल के नीचे झुके थे। मैं उन्हें कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहता हूं। मिस्टर शिर्के, आप जा सकते हैं। थैंक यू माय बाप। अरे हां, अपुन तो एक बात बताना भूल ही गया। ये जो गन है ना, राजन अन्ना का है। अपुन ने उसको बेचे ला था। क्यों राजन अन्ना, सही बोल रहा ना? चलता साहब। हाँ, वो गन मेरा ही था, मैंने ही मकरंद को दिया था। लेकिन मेरे को क्या मालूम, मकरंद मेरा गन लेके दत्ता भाऊ को उड़ा देगा। हाँ, लेकिन दत्ता भाऊ की मौत से आपका एक बहुत पुराना बदला पूरा हुआ। 10 साल पहले आपके भाई मशहूर क्रिमिनल राघव अन्ना, दत्ता भाऊ के आदमियों ने ही मारा था उन्हें, राइट? एकदम सही, मारा था मेरा भाई को। वो बहुत ही बुरा आदमी था, दुश्मन मुल्क का साथ मिलके ड्रग्स लाना चाहता था इधर, ड्रग्स। दत्ता भाऊ उसको बहुत समझाया पैसा का वास्ते ऐसा गलत काम नहीं करने का, लेकिन वो नहीं समझा, धक्का दिया। एकदम सही किया। ये पाशा भाई, ये तो उसका पैरों का चप्पल का भी काबिल नहीं है, ये क्या उसका कुर्सी पर बैठेगा? एक बात बताइए राजन अन्ना, जिस समय गोली चली उसी समय आप टेबल के नीचे झुके थे, क्यों? क्योंकि वो सिलगाड़ो और शिर्के का धक्का मुक्की में मेरा सेल फोन नीचे गिर गया था, उसको उठाने के लिए झुका था मैं। रियली परफेक्ट टाइमिंग टेबल के नीचे छिपाए हुए गन को चलाने का। ए लॉयर, क्या बात करता है तुम? राजन अन्ना है मैं, राजन अन्ना। अगर मेरे को किसी को टपकाना है ना, तो मैं उसका आंखों में आंखें डालकर इधर सेंटर में गोली चलाएगा।
अगर मैं दत्ता भाऊ को टपकाया होता तो ये अदालत में सबका सामने छाती ठोक कर बोलता मैं मारा है। वो तो अच्छा हुआ कि अपना सेलफोन उठाने के लिए मैं नीचे झुका, तभी मैं मकरंद को टेबल का नीचे से दत्ता भाऊ को गोली चलाते हुए देखा। देखा मैं, हाँ यही यही मारा दत्ता भाऊ को। नहीं, ये मुझे फंसा रहा है। चुप, मैं तुमको फंसा रहा है कि तुम मेरे को फंसा रहा है? मेरा गैंग में मेरा आदमी बनकर मेरा गेम बजाने का सोचा? जाओ सीधा जेल जाओ अभी। जुराना, राजन अन्ना की आखिरी गवाही बिना किसी शक के ये साबित करती है कि मकरन झा ने ही दत्ता भाऊ का खून किया है। फाइनली योर ऑनर, इस केस में एक प्रॉपर आई विटनेस। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। दवे दवे सुनना दवे, वो जो बाकी का एविडेंस था वो तुमने बोला था जमा होगा, लेकिन हुआ नहीं। कहाँ है वो सब? वो सब कचरा, वो टूटी हुई कंघी बॉटल, वो सब। हाँ कड़ी, वो सब तो बेकार है, फॉरेंसिक स्कोर से कुछ नहीं मिला। अच्छा, तो ये कचरा अगर तुम्हारे लिए बेकार है तो कैन आई हैव इट, मुझे मिल सकता है? ठीक है, ठीक, मैं पिकअप करवा लूँगा। थैंक यू। ए पांडो, अरे लाइट ऑन ऑफ क्यों रे ला बाप? अरे जेल में डिस्को चालू किया ला है क्या? तो भेज जा कोई आइटम को नाचने के वास्ते। हाँ ए शिरके, तू भी तो एक मस्त आइटम है रे, तू ही डांस कर रहा। ए साला, तेरी जात का सुअर मारो। तेरी तो पागल मत बनो, पागल मत बनो, छोड़ो छोड़ो। हट साला, अपन बेकार का गोवा से इधर को आया और तुम लोगों की वजह से अपन पकड़ा गया। तुम्हारी वजह से हम लोग पकड़े गए। पुलिस उस दिन तुम्हें तलाशने वहां आई थी। पाशा भाई, पुलिस का पास हम लोग का कोई भी सबूत नहीं है, और अगर है तो वो सिर्फ मकरंद के पास है। और जिस दिन मकरंद को फांसी का सजा हुआ उसका अगला दिन हम सब लोग फ्री। आना ठीक बोल रहा है, फिर अपन लोग जो मर्जी चाहे कर सकता है, कोई भी रोकने टोकने वाला नहीं, दत्ता भाव भी ना है। ए अना, अरे साला तूने सच्ची में मकरंद को गोली मारते हुए देखा या फिर दुश्मनी निकाल रहा है उससे बाप? आ? नहीं, हम तो बस दोस्ती निभा रहा हूं असली खूनी के साथ। तो तू जानता है कि खून किसने किया था? वो दिन टेबल का नीचे मैं देखा गोली कौन चलाया। अच्छा, किसने? लगता है पाशा भाई अब मेरे को उसका नाम बताना ही पड़ेगा। हाँ तो बोला, डरता है क्या? ये राजा नन्ना किसी का बाप से नहीं डरता है, वो गोली उस दिन। किसने मारा तुमको? कौन मारा तुमको?
ए, ए साला, मेरे को क्या देख रहे बाप? ए कसम अपन राजा नन्ना को नहीं मारा, मानता है ये औजार अपन का है, अपन ने गुस्सा में आके सिलगाड़े पर फेंक कर मारा, उसी ने राजा नन्ना को मारा होएगा। ये बताइए मिस्टर शिर्के कि राजा नन्ना के कत्ल के पीछे कारण क्या था? क्या वो ऐसी कोई बात जानता था जिससे आप तीनों को खतरा था? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं था। झूठ बोल रहे हो तुम। राजा नन्ना जानता था कि कातिल कौन था और वो उस पर से पर्दाफाश करने वाला था। योर ऑनर, राजा नन्ना की मौत इन चारों के बीच गैंग वॉर का नतीजा है। इसका दत्ता भाव के कत्ल से या मकरन झा पर लगे आरोप से कुछ लेना देना नहीं है। इसीलिए मेरी आपसे दरखास्त है कि अभी सिर्फ दत्ता भाव के मर्जर केस पर ही तवज्जो दिया जाए। मंजूर। मिस्टर शिर्के आप जा सकते हैं। ओके बाप। गेड़ी, इस केस में तुम्हारा अगला विटनेस कौन है? योर ऑनर, मेरा अगला गवाह वही है जिसकी छत्र छाया में ये खून हुआ, यानी कि ये टेबल जिसके नीचे से गोली चली। योर ऑनर, कत्ल के ठीक पहले इस टेबल को पॉलिश किया गया था। इस गन पर, यानी कि मर्डर वेपन के बट पर इस पॉलिश के निशान है। ये रस्सी जो एविडेंस में रखी गई है, जो टेबल के नीचे पाई गई थी, उस पर भी इस पॉलिश के ट्रेसेस हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब योर ऑनर के किसी ने इसी रस्सी से इस गन को टेबल के इस पैर के नीचे बांधा था, जहां पर अभी भी गन के खरोंच के निशान है। कातिल ने इस गन को यहां बांधा और वो रस्सी ट्रिगर होल से गुजरती हुई उसके हाथों तक पहुंची, जिसे खींचकर उसने उस गन को चलाया और दत्ता भाव की जान। योर ऑनर, खेती की थ्योरी बचकानी है। चार मंझे हुए खतरनाक क्रिमिनल डॉन्स और उनमें से एक का रस्सी खींचकर गोली चलाया। योर ऑनर, सबसे पहले ये करना ही मुश्किल है। और दूसरा, सिलगारो और शिर्के के हाथ ऊपर थे, इसीलिए वो तो गोली चलाने से रहे और राजन अन्ना उनकी तो मौत हो चुकी। हाँ, लेकिन फहीम पाशा। केटी, प्लीज प्लीज अलाउ मी टू फिनिश फर्स्ट। चलो मान लेते हैं कि ये सब कुछ फहीम पाशा ने ही किया। सबसे पहले फहीम पाशा ने बंदूक को रस्सी से बांधा, फिर रस्सी को इस टेबल के पैर से बांधा और फिर रस्सी का दूसरा एंड अपने पैरों से बांधा। फिर वेल मकरन, गोली चलने के कितने टाइम बाद इस टेबल को वहां से हटाया गया था? जी, कुछ 30 सेकंड के बाद। ऐसी 30 सेकंड, यानी कि 30 सेकंड बाद जब इस टेबल को वहां से हटाया गया तो उसके पैर में वो बंदूक बंधी मिलनी चाहिए थी, ऐसा था? जी नहीं, गन तो सिर्फ जमीन पर ही गिरी हुई थी। केडी, 30 सेकंड के कम टाइम में खूनी गन और रस्सी को कैसे अलग कर सकता था? उसके पास इतना टाइम ही कहा था कि वो सारी गांठें खोले, रस्सी को अलग करे, गन को अलग करे। इट्स प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल केडी, तुम्हारी थियोरी बेकार है। टेबल के पैर पर गन के निशान, रस्सी और गन पर पॉलिश के निशान, इससे तुम्हारी दलील का कुछ कुछ अंदाजा जरूर होता है केडी, लेकिन प्रणाली के सवालों का जवाब दिए बिना तुम इस दलील को आगे नहीं बढ़ा सकते। अनफॉर्चुनेटली योर ऑनर, इस समय मेरे पास प्रोसिक्यूशन के सवालों का कोई जवाब नहीं, लेकिन अगर मुझे एक दिन की मोहलत दी जाए तो मैं इसे साबित कर दूंगा। ठीक है, कल सुबह 11 बजे इस अदालत में हम फिर मिलेंगे, लेकिन याद रहे, अगर कल तुम्हारे पास जवाब नहीं हुआ तो यह केस प्रोसिक्यूशन के पक्ष में जाएगा। से तू इस रस्सी की ऐसी की तैसी कर रहा है। मुझे लगता है ये रस्सी भी कह देगी केडी मेरे भाई,
मेरा इस केस से कुछ लेना देना नहीं, छोड़ दे मुझे प्लीज। जिलमिल ये देख, देखिए पूरी रस्सी गंदी है लेकिन इन तीन जगहों पर ये रस्सी साफ है, समझा? तेरी इससे क्या साबित होता है मेरी समझ से टोटली बाहर है। तेरी समझ के तो बाहर ही होगा, इसका मतलब ये होता है कि इन तीन जगहों पर रस्सी को नॉट बांध कर यानी कि गांठ बांध कर रखा गया था, इसलिए यहां से गंदी नहीं हुई, समझा भी? और 30 सेकंड में तीनों गांठें भी खोल दी। कमान केटी, छोड़िए रस्सी को, वरना ये रस्सी तेरे क्लाइंट के लिए फांसी का फंदा बन जाएंगी। चल कुछ और करते हैं। बात तो तेरी सही है, कभी कभी समझदारी की बात कर लेता है तू। अब ये केस की गुत्थी तभी सुलझेगी जब इस रस्सी की गुत्थी सुलझेगी। 30 सेकंड में 3 नॉट खुले कैसे? प्रोसिक्यूशन के सवालों का जवाब है तुम्हारे पास? 30 सेकंड में खूनी ने गोली चलाकर अपना पैर रस्सी से और रस्सी को गन और टेबल से जुदा कैसे किया? एब्सोल्युटली योर ऑनर, और इस जवाब को पाने के लिए मुझे अपने स्कूल के दिनों में वापस जाना पड़ा जब मैं बॉय स्काउट्स में था, जहां हमें तरह तरह के नॉट्स यानी कि गांठ बांधना सिखाया जाता था। उनमें से एक यह है योर ऑनर, रीफ नॉट या मैजिक नॉट योर ऑनर, जिसे लूज करने से नहीं टाइट करने से खुलती है, ऐसे। योर ऑनर, एविडेंस में रखी हुई रस्सी के तीन जगहों पर निशान होना इस बात का संकेत है कि उन्हीं तीन जगहों पर बिल्कुल ऐसी ही गांठ बांधी गई थी यानी कि मैजिक नॉट्स। मैं अदालत को बताना चाहूंगा कि कैसे और कहां ये गांठ बांधी गई थी। राहुल, गन एंड स्टॉप वॉच प्लीज। सबसे पहले योर ऑनर, रस्सी में पहली गांठ से गन को टेबल के पांव पर बांधा गया। दूसरी गांठ से ट्रिगर को अटकाया गया। और तीसरी गांठ से योर ऑनर, रस्सी को कातिल के पैरों में अटकाई गई थी। तवे प्लीज। अब देखिए योर ऑनर, पहली बार खींचने से ट्रिगर दबा, गोली चली और गांठ खुला। दूसरी बार खींचने से गन जमीन पर गिरा और तीसरी गांठ छोर को पांव के नीचे दबाकर और रस्सी जमीन पर टेबल के नीचे जहां मौका वारदात पे पाई गई। तवे कितना समय हुआ? 16 सेकंड। अमेजिंग, माना कि खून ऐसे ही हुआ है, लेकिन तुम ये कैसे साबित करोगे कि यह खून किसने किया है? यह भी साबित किए देता हूं। यार रुक, योर ऑनर, पहली दो गांठ बांधने के बाद ये रस्सी इस कुर्सी के लिए लंबी है, इस कुर्सी के लिए भी और इस कुर्सी के लिए भी, लेकिन इस कुर्सी के लिए परफेक्ट मैच। उस कुर्सी पर मिस्टर शिरके बैठे थे योर ऑनर। योर ऑनर, इस रस्सी का पहला छोर मर्डर वेपन से और दूसरा छोर शिरके के पैरों से बंधा था, यानी कि कातिल शिरके है। ये सब बकवास है, बकवास। अपन भाई है भाई, ये रस्सी उस्सी लेकर अपन किसी का खून नहीं करेगा। अरे अपन को मारना होएगा तो सामने से ठोक देगा। और हां, ये
गांठ वोट बांधना अपुन को नहीं आता। तुमसे अच्छा जाल बुनना किसे आता होगा मिस्टर शिर्के? 10 साल तक तुम एक मछुआरे थे, जाल बुनने के एक्सपर्ट, हर तरह की गांठ बांधना आता है तुम्हें। अब बताओ अदालत को, क्यों मारा तुमने दत्ता भाव को, क्यों मारा तुमने राजन अन्ना को? बोलो। तुम्हारी चुप्पी से क्या हम ये समझ ले कि तुम इन बाकियों की तरह बहादुर नहीं? भाई नहीं, डरपोक हो, कायर हो तुम। अपुन किसी से नहीं डरता। हाँ, अपुन ने मारा उस बुड्ढे को। साला जब से सुधरा अपुन के धंधे की वाट लगा डाला, अपना आधा धंधा बंद करवा दिया। अपुन ने मकरन की रिवाल्वर को चुरा कर पासा भाई के गोडाउन में वो रस्सी की सेटिंग किया ताकि इल्जाम उस पर लगे जो उस कुर्सी पर बैठे। ये बताइए मिस्टर शिर्के कि राजन अन्ना के कत्ल के पीछे कारण क्या था? क्या वो ऐसी कोई बात जानता था जिससे आप तीनों को खतरा था? राजन अन्ना ने अपुन को टेबल के नीचे से रस्सी खींचते हुए देख लिया था। अदालत में उसने झूठ इसलिए बोला, वो मेरे को ब्लैकमेल करना चाहता था मेरा आधा धंधा के लिए। जब मैंने उसको ना बोला तो सबके सामने मेरे बारे में बोलने की धमकी दी, इसलिए अंधेरे का फायदा उठाकर अपुन उसको उधर ही ठोक डाला। अपुन ने ही दोनों खून किया है जज साहब, मकरंद बेकसूर है। मुलजिम सुरेश शिर्के के इकबाली जुर्म के बाद यह अदालत उसे भाऊ दत्ता साटम और राजन रेड्डी के कत्ल के जुर्म में उम्र कैद की सजा सुनाते हुए मकरंद झा को बाइज्जत बरी करती है। द केस इज क्लोज। मुबारक। कमाल कर दिया केडी आपने, एक रस्सी के बलबूते पर पूरा का पूरा केस सॉल्व कर दिया। थैंक यू केडी, थैंक यू सो मच। यू वेलकम। वैसे एक बात पूछनी थी आपसे। पूछो। केडी का मतलब क्या है? व्हाट डज दिस केडी स्टैंड फॉर? केडी स्टैंड्स फॉर जस्टिस। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।